Hello dear students, I'm Mohammad Baqir, lecturer physics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक ऑन करंट कैरिंग क्वाइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। सपोज हमारे पास एक क्वाइल है, ये हमारा क्वाइल है, देखिएगा दिस इज अ क्वाइल, ओके, एंड दिस क्वाइल कैरीज करंट आई इन दिस डायरेक्शन। ये कॉइल है, लेट अस सी दिस इज ए बी एंड सी डी। तो ये कॉइल हमारे पास है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है। एंड सपोज इसका जो लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ द ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल का लेंथ एल है और इसका ब्रेथ है बी। तो ये जो कॉइल है इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हम इसको यहां पर लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड L is the length of the coil. L is length of coil. And B is the breadth of the coil. Breadth of coil. Yeah. Okay. Or suppose ये angle है, this is the angle alpha. Let us see. ये जो एंगल अल्फा है ये है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल of the coil. ये तो ये है। फिर से वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी हुज लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी, एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्या होता है देखिएगा, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल या एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो हमको मालूम है, वो जो फोर्स है वो होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल यही चीज यहां भी है, देखिएगा हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये
है, दिस इज ए बी, ए बी पर भी फोर्स लगेगा है ना, और बी सी पर भी फोर्स लगेगा, और सी डी पर भी फोर्स लगेगा, और बी ए पर भी फोर्स लगेगा। तो इसके जो चार आर्म्स हैं, इन अलग अलग आर्म्स पे फोर्स लगेगा, एंड वी विल कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन दिस ऑन डिफरेंट आर्म्स। तो ये फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, किस तरह से देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स, फोर्स ऑन दिस ए बी आर्म, फोर्स ऑन ए बी आर्म। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा एफ ए बी, ये है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमको मालूम है, फोर्स होता है क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पर मैंने थीटा के जगह अल्फा लिखा है, तो वी विल राइट आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, बिकॉज करंट जो है इसके थ्रू वो आई है और ये इसका ब्रेथ है, तो यहां पर एल के बजाय क्या आएगा, बी आएगा, स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन अल्फा, ये इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे रूल से, एल क्रॉस बी रूल से हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग, यहां पर ये हमारा आई का एल का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, तो जो फोर्स का जो इस आर्म पर जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, सो दिस इज एफ ए बी, ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है। सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट सेकंड, वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन, फोर्स ऑन दिस बी सी, फोर्स ऑन बी सी आर्म, ये क्या आएगा एफ बी सी, अगेन दिस इज करंट, करंट इज आई एंड एल इज द लेंथ, बी एंड साइन 90 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एल और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 90 है, ठीक। तो साइन 91 होता है, सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस बी सी आर, ये है फोर्स ऑन ए बी। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस आर्म सी डी, सो एफ सी डी, ये क्या आएगा, दिस इज अगेन आई एंड बी, ब्रेथ इज बी एंड मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और एंगल कौन सा है आपकी बारी, ये वाला एंगल है, सो इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल इज हाउ मच, इट इज 180 माइनस अल्फा, सो साइन 180 माइनस अल्फा इज अगेन साइन अल्फा, ये है फोर्स ऑन सी डी आर्म। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन डी ए, ये क्या आएगा फिर से, ये फिर से आई एल बी आ जाएगा, क्योंकि थीटा इज अगेन 90 ही है, थीटा फिर से कितना है, थीटा फिर से 90। ओके, सो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। तो जो ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है इसके चारों आर्म्स पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स का देखो इस पर, इस आर्म पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन यहां पर है, इस आर्म पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिएगा ये एल का डायरेक्शन नीचे है और बी का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन ये होगा, डॉट होगा बाहर की तरफ, ऐसे। सिमिलरली यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, देखिए एल क्रॉस बी ये ऐसे घूमेगा, तो ये इसका डायरेक्शन होगा, और यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्रॉस होगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन सी डी दिस टू दिस फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन सी डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है आई बी बी साइन अल्फा आई बी बी साइन अल्फा और दोनों अपोजिट है हेंस दिस टू फोर्सेस कैंसिल ईच अदर तो ये दो फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा और इन दो आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा किस पर बी सी और डी ए आर्म पर ये कैंसिल नहीं होगा दे आर अपोजिट ये दोनों फोर्सेस ये देखिए ये बी सी फोर्स एंड ये वाला फोर्स डी ए फोर्स इन दोनों पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है आई एल बी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये जो दो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है दे आर नॉट लाइंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है इसलिए ये क्या करेगा दीज टू फोर्सेस रोटेट द पॉइंट ठीक है ओके तो ये जो फोर्स है सिर्फ ये दो फोर्सेस रहेगा कौन से ये फोर्स और ये वाला फोर्स इस पर रहेगा इसको मैं अलग से यहां पर लिख के रखूंगा तो ये जो फोर्स है फोर्स ऑन बीसी और दूसरा हमारे पास जो फोर्स रहेगा फोर्स ऑन डी ये है आई एल बी दिस इज अगेन तो ये So these two forms a couple of force which rotates the coil. ठीक है तो हम टॉर्क इसका कैलकुलेट कर सकते हैं सो टॉर्क जो है टॉर्क टाउ दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ओके तो ये है Now, how can we calculate this perpendicular distance? हम ये perpendicular distance कैसे calculate कर सकते हैं Force तो हमारे पास है आई एल बी तो इसके लिए मैं एक और छोटा सा डायग्राम यहां पर आप लोगों को बना दूं अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से देखेंगे अगर हम इसका तो ये हमारा ए बी है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एंगल हमारा अल्फा है ठीक है और जो यहां पर फोर्सेस लग रहे हैं इस पर जो फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ है और इस पर जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ है और ये फोर्स कितना है इट्स इज आई एल बी एंड दिस फोर्स इज अगेन आई एल बी ठीक है तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये वाला हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके नाउ अगर ये जो एंगल है दिस एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल अगर मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रा करूंगा यहां पर इस प्लेन पर ऐसे अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये एंगल मान लो हम रखेंगे थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल Okay, so if this is theta, then this is also theta. अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है थीटा ये हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं ओके तो इफ दिस इज एंगल थीटा तो ये साइड कितना होगा ये वाला साइड ए बी मान लो दिस इज सी तो जो हमारा ए सी है वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि हमारा एसी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओके तो इस एसी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें इस ट्रायंगल में किस ट्रायंगल में ये एबीसी ट्रायंगल में हम निकालेंगे साइन ऑफ थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये आ जाएगा AC perpendicular divided by hypotenuse और ये जो है AB what is this AB
This AB is what? This is B, small b. Breadth of the coil. ये ठीक है तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा स्मॉल बी आएगा तो यहां से हम जो ए सी है ये हो गया कितना बी इंटू साइन थीटा एंड दिस ए सी इज व्हाट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस तो हमारे जो टॉप का एक्सप्रेशन आएगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स व्हाट इज फोर्स इट इज आई एल बी आई into L into B and this perpendicular distance is how much it is B sin theta B into sin theta ये okay. तो ये है अच्छा अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे दिस नाउ दिस टॉप टाउ इज इक्वल टू आई कैन राइट आई एल उसके बाद लिखेंगे हम स्मॉल बी फिर कैपिटल बी इंटू साइन थीटा एंड दिस टॉप टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ये है एरिया ऑफ द कॉइल Length into breadth is area of the coil and we will denote area by capital A. So this area into B sin theta. Yeah. Okay. Suppose now if this coil has many turns, suppose. Agar ye jo coil hai, suppose isme total turns N hai, capital N. टोटल टर्न्स इसमें कैपिटल एन टोटल टर्न्स तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा एक्सप्रेशन आएगा टॉर्क इज इक्वल टू ये आएगा कैपिटल एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा ओके Now, अब इसमें ये चीज देखिएगा एन आई ए करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस दिस एन आई ए इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा सो दिस एम व्हाट इज दिस एम दिस इज This M is equal to total turns multiplied by current into area. This is called magnetic dipole moment. तो ये है हमारा expression. अगर हम इसको vector form में लिखेंगे तो vector form में भी लिख सकते हैं हम इसको देखिए अगर हम इसको vector form में लिखेंगे तो हमारा torque का जो expression आएगा वो आएगा This is m b sin theta, which is m cross b. M cross b. ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि हम इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं ये जो क्वाइल है इस पर जो टॉर्क लग रहा है एंड ड्यू टू दैट टॉर्क द क्वाइल रोटेट्स उसका हम डायरेक्शन कैलकुलेट हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं इससे कैसे निकालेंगे एम क्रॉस बी से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है फिर से अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है तो देखो इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन ये ऐसा है करंट इसमें क्लॉकवाइज है ठीक है तो ये करंट का डायरेक्शन तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एम डाइपोल मूवमेंट तो हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो अगर M अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो M क्रॉस B किधर होगा नीचे की तरफ तो इस पर जो टॉप का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है तो ये है अब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से देखिए इससे हम ये निकाल सकते हैं
कि सपोज अगर हमारा एंगल जो है वो जीरो डिग्री है, इफ दिस एंगल इज जीरो, तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो मींस व्हाट, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन, एंड व्हाट इज थीटा, रिमेंबर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम एंड, और जब ये जीरो होगा तो जो क्वाइल का जो प्लेन है, द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दैट केस टॉर्क इज जीरो। एंड सिमिलरली इफ थीटा इज 180, अगेन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों केसेस में जो टॉर्क है वो जीरो है, ओके। लेकिन अगर हमारा थीटा, अगर हमारा जो थीटा है, इफ दिस थीटा इज 90 मींस व्हाट, द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस दिस थीटा इज 90 एंड हेंस टॉर्क इज मैक्सिमम, एंड टॉर्क इज मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम टॉर्क इज एम बी, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, याद रखिए, दिस इज मैक्सिमम। ओके, तो ये था, दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।